पंचदश अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी का नीलाचल में श्रील हरिदास ठाकुर के स्थान पर आगमन। श्रील रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे, तब सबसे पहले वे श्रील हरिदास ठाकुर की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कहिला, तुम्ही आसीबे मोरे प्रभु जे कहिला। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:46। श्री हरिदास ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी पर बहुत कृपा की तथा उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के विषय में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। श्रीमन महाप्रभु से मिलन। तब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से मिलन के लिए आए। तब श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास ठाकुर से मिलने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने श्री रूप से कुशल वार्ता जिज्ञासा की। फिर श्री रूप को श्री हरिदास ठाकुर के वास स्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रतिदिन आकर श्रीमन महाप्रभु उनसे मिलते थे तथा उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद मिलता था वे इन दोनों को लाकर देते थे। श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी के श्री जगन्नाथ मंदिर ना जाने का कारण एवं श्रीमन महाप्रभु का नियम। हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर ना जान तीन जन। महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया निज गृह जान ऐ तीनेर मिलिया। ऐ तीनेर मध्य जबे थाके जय जन तारे आसी अपने मिले प्रभु नियम। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 1:63-64-65। श्री हरिदास ठाकुर अपने आप को मलेच्छ मानकर मंदिर की मर्यादा के भंग की आशंका से मंदिर नहीं जाते थे। श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी मलेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को मलेच्छ तुल्य मानकर श्री हरिदास ठाकुर के साथ एक ही स्थान पर रहते थे तथा श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव के उपल भोग दर्शन करने के उपरांत इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर जाते थे। इन तीनों में से जब जो भी भजन कुटी में रहता था, प्रभु अपने आप आकर उसे वहां दर्शन देते थे। यह प्रभु का नियम था। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी के गुंडीचा मंदिर मार्जन और रथ यात्रा में सम्मिलित होने के प्रमाण। यद्यपि उपरोक्त तथ्यों से यह जाना जाता है कि श्री हरिदास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, तथापि निम्नलिखित प्यारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे गुंडीचा मंदिर मार्जन तथा रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नित्य कीर्तन करते थे तथा भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे। भक्तगण लैया कैला गुंडीचा मार्जन, आई टोटा आसी कैला वन्य भोजन। प्रसाद खाए हरि बले सर्व भक्त जन, देखी हरिदास रूपे हर्षित मन। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:62-63। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया तथा उसके उपरांत आई टोटा नामक बगीचे में जाकर फल कंदमूल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे तथा वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच बीच में हरी हरी बोलते देखकर बहुत उल्लसित हो रहे थे। गोविंद द्वारा प्रभु शेष प्रसाद पाईला, प्रेमे मत दुईजन नाचिते लागीला। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:64। श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने के पश्चात श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मत होकर नित्य करने लगे। किसी अन्य वर्ष जब श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यम प्रभु श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री वक्रेश्वर पंडित आदि बहुत से भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे, तब
हरिदास बलि प्रभु डाके धने धन, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार, एई संगे बसीते योग्य नाही मुई छार। पाछे मोर प्रसाद गोविंद दीबो बही द्वारे, मन जानी प्रभु पुना ना बलि ले तारे। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 12:160-162। श्रीमन महाप्रभु ने शिला हरिदास ठाकुर को बहुत जोर से आवाज लगाई। दूर से ही शिला हरिदास ठाकुर ने निवेदन किया, प्रभु आप भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं अधम उस गोष्ठी में बैठने के योग्य नहीं हूँ। आप सबके प्रसाद पा लेने के बाद गोविंद मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे देंगे। शिला हरिदास ठाकुर की इच्छा को जानकर श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें फिर से कुछ भी नहीं कहा। इसी प्रकार रथ यात्रा के दिन भी सर्वत्र वे दोनों महाप्रभु के साथ थे। रथ यात्रा जगन्नाथ दर्शन करीला, रथ अग्रे प्रभु नित्य कीर्तन देखीला। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:72। श्री रूप गोस्वामी ने श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के दर्शन किए तथा रथ के आगे आगे श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार नित्य कर रहे थे उसे भी देखा। निम्नलिखित प्यारों से जाना जाता है कि श्री हरिदास ठाकुर भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भक्तों के साथ रथ यात्रा में उपस्थित रहते थे। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिल गान बटिया, नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिला नित्य करी बारे। चैतन्य चेतनामृत मध्य लीला 13:34-35। रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु ने विचार करके चारों मंडलियों में गान करने वालों को बांट दिया। श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री हरिदास तथा श्री वक्रेश्वर, इन चारों में से एक एक को एक एक मंडली में नित्य करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाए, मुकुंद प्रधान कैल आर संप्रदाय, श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर तहा करेन नर्तन। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 13:40-41। तीसरी मंडली में प्रभु ने श्री मुकुंद को प्रधान कीर्तनिया बनाया तथा श्री वासुदेव, श्री गोपीनाथ, श्री मुरारी, श्रीकांत और श्री वल्लभ सेन, ये पांच व्यक्ति सहायक गायक थे। इस मंडली में नृत्य करने वाले श्री हरिदास ठाकुर थे। शिलरूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए श्लोक को पढ़कर श्रीमन महाप्रभु का प्रेम आविष्ट होना। चातुर्मस्या के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, किंतु शिलरूप गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते रहे। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि शिलरूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास ठाकुर तथा शिला रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद श्रीमन महाप्रभु आसन पर बैठ गए। क्या पुथी लिखा बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:96। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखकर श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए तथा उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक देखीला, पढ़ीते श्लोक प्रेम आविष्ट हईला। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 1:98। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो वे प्रेम आविष्ट हो गए। तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते, तुंडा वली लब्दई, कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते, कर्णार हृदय बे स्पृहम, चेत प्रांगन संगनि विजयते, सर्व इंद्रियाम कृतिम, नो जाने जनिता की अद्भर अमृते, कृष्णेति वर्ण द्वई। चैतन्य चेतामित अंत लीला 1:99। कृष्ण ये दो वर्ण ना जाने कितने अमृत को अपने में समेट कर उत्पन्न हुए हैं। देखो जब नटी के समान ये वर्ण तुंडे अर्थात मुख में नित्य करते हैं तो बहुत तुंड अर्थात मुख प्राप्त करने के लिए आसक्ति वर्धित करते हैं। जब कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों कर्णों को प्राप्त करने की स्पृहा को जागृत करते हैं।
जब चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा नित्य तथा श्रीला रूप गोस्वामी की प्रशंसा। श्लोक सुनी हरिदास हैला उल्लासी नाचिते लागीला श्लोके रे अर्थ प्रशंसी। चैतन्य चेतामित अंत लीला 1:100। उपरोक्त श्लोक को सुनते ही श्रीला हरिदास ठाकुर आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तथा श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्रीला हरिदास ठाकुर ने कहा, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा ऐछे कहा नहीं सुनी। चैतन्य चेतामित अंत लीला 1:101। रूप, मैंने श्री कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्रों द्वारा तथा महत्पुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार की नाम की महिमा को तो मैंने कभी नहीं सुना है। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया तथा मध्यान्ह अर्थात स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर श्रीमन महाप्रभु ने श्रीलरूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया तथा सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्रीलरूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर चले गए तब श्रील हरिदास ठाकुर ने श्रीलरूप गोस्वामी को आलिंगन किया। हरिदास कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा, जे सब वर्णिला इहर के जानी महिमा। चैतन्य चेतामित अंत लीला 1:210। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, रूप तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है, तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूँ। इस प्रकार श्रीलरूप गोस्वामी तथा श्रीला हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे।